नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सर आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। और जैसा कि हम कल चर्चा कर रहे थे कोशिका के बारे में, तो कोशिका की संरचना को हमने देखा था, उसे दो भागों में हमने डिवाइड किया था। आज हम उससे आगे चर्चा करेंगे। तो जो भी मित्र आज हमारे वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने कल का सेशन नहीं देखा था, वो कल वाला जो सेशन है इससे पहले की वीडियो वो ज़रूर देख ले। प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारी वीडियोज मिल जाएंगी। तो जितने भी वीडियोज हैं वो सारे स्टेप बाय स्टेप आती रहेंगी। आप हर एक वीडियो को देखें, कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो बार बार उसको रिवाइज करके देखें, ठीक है। फिर भी कोई बात समझ नहीं आती है तो आप कमेंट्स करके हमसे ज़रूर पूछ लें, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि जो कोशिका की हमने बात की थी कल, तो हमने बात की थी कि कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग। और वे जो कोशिकांग होते हैं वे कौन कौन से होते हैं, उनकी हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कोशिकांग है आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे, सूत्रकणिका। सूत्रकणिका, ठीक है। सूत्रकणिका के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहली हेडिंग रहेगी हमारी सूत्रकणिका की। चलो इसके बारे में देखते हैं क्या है, किस प्रकार से है, कैसे काम करेगा। तो इसका हम यहाँ पे लिखते हैं अन्य नाम। अन्य नाम, कौन कौन से नाम इसके हैं? तो सूत्रकणिका को यदि हम देखें तो इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूत्रकणिका। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक बना है माइटोन और दूसरा शब्द है हमारे पास कॉन्ड्रियन, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा जो नाम है इसका, ये तो पहला नाम हो गया। दूसरा देखो, इसका सेकंड नाम होता है सार्कोसोम। दूसरा नाम क्या है इसका? सार्कोसोम। तीसरा इसका नाम आता है बायोप्लास्ट। बायोप्लास्ट। चौथा इसका नाम आता है, यदि हम देखें तो, एटीपी की फैक्ट्री। एटीपी की फैक्ट्री। पांचवा हम इसका नाम ले सकते हैं कोशिका का शक्तिग्रह। कोशिका का शक्तिग्रह किसको कहा जाता है? तो ये भी किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट यदि हम देखें, छठा जो नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो छठा नाम होगा इसमें अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, ठीक है। कैसा कोशिकांग है ये? तो अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग, ठीक है। इसके अलावा यदि हम इसका नाम देखें तो इसको हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका, में प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका। इसके अलावा मैं इसको नाम दे सकता हूं श्वसनकारी कोशिकांग। श्वसनकारी कोशिकांग, तो श्वसन की क्रिया में जो श्वसन की जो क्रिया होती है वो किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसलिए इसको कहा जाता है श्वसनकारी कोशिकांग। तो कुल मिलाकर के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके ये आठ नौ नाम होते हैं। एक है हमारे पास सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोसोम, बायोप्लास्ट, एटीपी फैक्ट्री, कोशिका का शक्तिग्रह, अर्धस्वायत्त कोशिकांग, यूकैरियोटिक में प्रोकैरियोटिक कोशिका और श्वसनकारी कोशिकांग। ये हमारे नाम हैं किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के या सूत्रकणिका के, ठीक है। सूत्र का मतलब होता है धागा। क्या होता है? धागा। कणिका का मतलब होता है कण, धागे व कण के समान। कण के समान जो संरचना होती है उसको नाम दिया जाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और यदि हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज, ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग आज भी सस्पेंस में हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी, ठीक है। अलग अलग लोग बाग कोचिंगों में लिखवाते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया खोज थी वो कोली करने की थी। किसने की थी? कोली करने। और ये एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड की बुकों में लिखा हुआ है, ठीक है। कोली करने 1880 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और इसने खोजा था कीट की
पेशी कोशिका, ठीक है, कीट की पेशी कोशिका में, ठीक है, कोशिका में जो पेशी कोशिका होती है उसको हम बोलते हैं सार्को। क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम सार्को, ठीक है। और उसके अंदर एक स्ट्रक्चर को खोजा, स्ट्रक्चर या संरचना को हम कहते हैं सोम, इसलिए नाम पड़ गया क्या? सार्कोसोम, ठीक है। तो कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ खोजा? कीट की पेशी कोशिका में। नाम क्या दिया? सार्कोसोम इसका नाम रख दिया, ठीक है। इसके बाद कोलिकर के कुछ समय बाद आता है आल्टमैन, ठीक है, या आल्टमान भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो आल्टमान ने इसको किस में खोजा? पादप में, पादप में खोजा आल्टमान ने, ठीक है। और इसका नाम रख दिया बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट, ठीक है। प्लास्ट का मतलब होता है लवक, ठीक। तो लवक के जैसा, बायो का मतलब सजीव, ठीक, किसके समान? लवक के जैसा एक सजीव संरचना पादप कोशिकाओं में देखी किसने? आल्टमैन ने। और उसने नाम रख दिया क्या? बायोप्लास्ट। अभी दोनों चीज होगी, जंतुओं में सार्कोसोम, पादपों में बायोप्लास्ट। कुछ दिन बाद एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम होता है सीबेंडा। क्या नाम था उसका? सीबेंडा। और सीबेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कर दिया? नामकरण, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया? सीबेंडा ने। किसने किया? सीबेंडा ने, ठीक है। पादप कोशिका में किसने खोजा? आल्टमैन ने। जंतु कोशिका में किसने खोजा? कोलिकर ने। सबसे पहले किसने खोजा? कोलिकर ने। कई बार रेलवे डिपार्टमेंट ने क्वेश्चन किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की, तो आंसर क्या आया उसका? कोलिकर। ऑप्शन में मिलेगा तुम्हें आल्टमैन, लेकिन आल्टमैन इसका वास्तविक खोजकर्ता नहीं है, ठीक है। तो इसका वास्तविक खोजकर्ता कौन है? कोलिकर। सबसे पहले किसने खोजा था? कोलिकर ने। उसके बाद किसने खोजा? आल्टमैन ने। नामकरण किसने किया? तो सीबेंडा ने, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है, किससे रिलेटेड? माइटोकॉन्ड्रिया से। अब यदि हम आगे बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है, ठीक है, और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सबको हम एक एक करके आज यहाँ देखेंगे। देखो, यदि हम बात करें तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, ठीक है, डबल लेयर्ड। अब इसके अंदर होता क्या है कि जो भीतर वाली झिल्ली है उसके अंदर इस प्रकार से अंगुली जैसी संरचनाएं बन जाती हैं। कैसी संरचना बनेगी? अंगुली जैसी। और इन अंगुली जैसी संरचनाओं को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहेंगे? क्रिस्टी। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन, पिछले राजस्थान में जो एक एग्ज़ाम आयोजित किया गया था, ठीक है, जिसको हम कहते थे रीट, ठीक है, तो रीट वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था साइंस के पोर्शन में कि बताइए वह कौन सा कोशिकांग है जिसमें क्रिस्टी पाई जाती है। तो क्रिस्टी किसके भीतर पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। देखो, ये जो स्ट्रक्चर बनी इसमें उंगली जैसी उठी हुई स्ट्रक्चर, ये कहलाई क्या? क्रिस्टी। इसके अंदर ये जो कण हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये कण कहलाते हैं F1 कण। इन्हीं को हम कहते हैं ऑक्सीसोम, F1 कण या ऑक्सीसोम, ठीक है। ये कैसा कोशिकांग है? तो दोहरी झिल्ली युक्त। ये है बाह्य झिल्ली और ये है इसकी आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। तो ये कोशिकांग कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त। इसके भीतर जो भी पदार्थ भरा पड़ा रहता है उसको मैं कहूँगा मैट्रिक्स, ठीक है। क्या नाम दिया उसको? मैट्रिक्स, ठीक है भाई। तो मैट्रिक्स किसके भीतर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। इसी के अंदर एक वृत्ताकार क्या मिलेगा? डीएनए, वृत्ताकार डीएनए। और इस वृत्ताकार डीएनए के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका। इस मैट्रिक्स के भीतर पाए जाते हैं श्वसनकारी कोशिकांग, श्वसनकारी एंजाइम, सॉरी, क्या पाए जाते हैं इसमें? श्वसनकारी एंजाइम, ठीक है। तो मैट्रिक्स के भीतर ही एक क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं क्रैब्स चक्र। सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि क्रैब्स चक्र की घटना कहाँ होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। F1 कण या ऑक्सीसोम के अंदर होता है ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है।
तो जनरल सी हमसे क्वेश्चन कर लेता है कि बताओ क्रैश चक्कर की घटना कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में, ETS कहाँ होता है, F1 कण के अंदर या ऑक्सीसोम में। अब ये जो ऑक्सीसोम्स हैं ये जीवाणु के अंदर नहीं होते, जीवाणु के अंदर ऑक्सीसोम के स्थान पे पाए जाते हैं मीजोसोम, मीजोसोम, ठीक है, ध्यान रखना, मीजो का मतलब होता है मध्य, सोम का मतलब होता है काय, तो ये कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख सकता है मध्य काय। एग्जामिनर की मर्जी है, एग्जामिनर कुछ भी टर्म्स यूज कर सकता है, ठीक है, लेकिन टर्म्स उसी से संबंधित होगी। तो ध्यान रखना, मीजो का मतलब होता है मध्य, सोम का मतलब होता है काय, मीजो सोम या मध्य काय, ये जीवाणु में पाए जाते हैं जो कि ATP फॉर्मेशन का कार्य करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है वो दोहरी झिल्ली युक्त होती है, इसमें अंगुलीनुमा संरचना क्या कहलाती है, क्रिस्टी कहलाती है, क्रिस्टी पर पाए जाने वाले कण F1 कण या ऑक्सीसोम कहलाते हैं, जिसमें कौन सी घटना होती है, ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, जिसके तहत ATP का क्या होता है, निर्माण होता है। क्रैश चक्र एक ऑक्सीश्वसन की घटना है जो कि हम श्वसन की क्रिया में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स के अंदर होती है, मैट्रिक्स में पाए जाते हैं श्वसनकारी एंजाइम जो कि क्रैश चक्र की क्रिया को अंजाम देते हैं। ये बाहर की झिल्ली है, ये अंतर की झिल्ली है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, वृत्ताकार DNA, वृत्ताकार DNA पाए जाने के कारण ये खुद की फोटोकॉपी खुद तैयार कर लेता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, किससे, केंद्रक से, और ये अपनी खुद की प्रतिलिपि तैयार कर सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात थी हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम बात करते हैं लवक के बारे में। लवक को हमने नाम दिया प्लास्टिड, प्लास्टिड, इसी को हम शॉर्टकट में प्लास्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जो लवक है उसकी खोज जो थी वो की थी हैकल ने, किसने की, हैकल ने। और लवक स्पेशल कोशिकांग है जो केवल और केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, सैवालों में भी मिलता है, ठीक है। तो लवक कहाँ मिलता है, मिलेगा हमें पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। ये भी दोहरी झिल्ली युक्त होता है, इसमें भी पर्सनल क्या होता है, वृत्ताकार DNA होता है, तो इसको भी हम अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं। नोट कर लेना कि इसको भी हम अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग कहते हैं, किसको, लवक को, ठीक है। अब लवक की यदि हम बात करें आगे, तो जो लवक है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखो लवक नेचुरल रूप से तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। लवक कितने प्रकार के होते हैं, तीन। देखो पहला जो लवक है वो होता है वर्णी लवक, कौन सा होता है, वर्णी लवक, ठीक है। वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, और रंग को हम बोलते हैं क्रोमो। लवक को मैंने कहा कि हम इसको प्लास्ट भी लिखते हैं, इसलिए क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट मुख्यतः है पौधे के या तो फूल में मिलेगा या फल में मिलेगा, तो ये कहाँ पाया जाता है, फूल में या फल में। जीव जंतुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित। इसके अंदर अलग अलग कलर के क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं जो इसे रंग प्रदान करते हैं। सामान्य तौर पर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कुछ पादपों में कुछ विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, जिसमें पहला पादप लूँ टमाटर, टमाटर में कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो मैं यह कह सकता हूँ लाइकोपिन, कौन सा वर्णक पाया जाता है, लाइकोपिन। दूसरा मैं कह सकता हूँ कि गाजर, गाजर के अंदर कौन सा वर्णक पाया जाता है, तो गाजर के अंदर जो वर्णक पाया जाता है उसका नाम है कैरोटिन, ठीक है, क्या नाम है, कैरोटिन, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर सकता हूँ कि हल्दी में कौन सा वर्णक पाया जाता है, हल्दी में पाया जाता है कुरकुमिन, कौन सा वर्णक, कुरकुमिन, ठीक है। इसी के अलावा मैं यदि पूछूं कि मिर्च में कौन सा है, और मिर्च भी कौन सी, शिमला मिर्च, तो मिर्च में कैप्सिथिन, ठीक है, कैप्सिथिन। तो ये वर्णक जो हैं वो ऐसे वर्णक है जो हमारे डेली लाइफ में काम में आते हैं, हम टमाटर भी खाते हैं, गाजर भी खाते हैं, हल्दी भी खाते हैं, मिर्च भी खाते हैं, ये हमें डेली लाइफ वाले वर्णक ध्यान रखने हैं, और जनरल तौर पे ये हमसे पूछे भी जाते हैं, ठीक है।
इसके अलावा हमें कलर ध्यान रखना है, हरे को क्लोरो कहते हैं, जहाँ पे क्लोरो मिल जाए वहाँ पे क्या मिलेगा, हरे रंग का वर्णक मिलेगा, कहीं पे लाल मिल जाए तो इरिथ्रो मिलेगा, एवरनी मिले तो ल्यूको मिलेगा, और यदि हमें नीला मिले तो साइनो मिलेगा। ठीक है, देखो रंगों के लिए ध्यान रखना, साइनो कहीं नज़र आ जाए, जैसे हीमोग्लोबिन होता है ऐसे ही साइनोग्लोबिन होता है, तो साइनोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग कैसा हो जाता है भाई, नीला। ठीक है, ऐसे ही इरिथ्रोसाइनिन के कारण जो शैवाल है वो नीली होती है, ऐसे ही इरिथ्रो का मतलब लाल होता है, तो इरिथ्रो जो मिलता है उसके कारण क्या होता है, लाल होती है। ठीक है, साइनो कहीं मिल जाए, साइनिन कहीं मिल जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, तो वो चीज़ें होंगी कैसी, हमें नीली। ठीक है, इसके बाद क्लोरो, क्लोरो का मतलब होता है हरा, इसका मतलब था नीला। फिर मैंने बताया इरिथ्रो का मतलब क्या होता है, तो इरिथ्रो का मतलब होता है लाल। ठीक है भाई, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। ठीक, कि किसका जो रंग है वो कैसा होता है, यदि एवरनी लिखे तो वो लिखेगा ल्यूको, ल्यूको का मतलब सफ़ेद, या श्वेत या एवरनी बिना किसी रंग का, तो ऐसे कुछ टर्म्स हमें ध्यान रखनी है, पीले के लिए जैंथो भी काम में लेता है वो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। चलो बात करें इधर, दूसरे प्रकार का जो वर्णक होता है इसमें होता है अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। अवर्ण मतलब सफ़ेद या श्वेत, श्वेत को हम क्या कहते हैं, ल्यूको, तो यहाँ सिंपल नाम हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। क्या नाम हो गया भाई, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब जो ल्यूकोप्लास्ट है, अवर्णी लवक है, ये पाया कहाँ जाता है, तो ये हमें जड़ में मिलेगा, तने में मिलेगा। ठीक है, जड़ में, तने में, और कहाँ मिलेगा ये हमें, बीज में, और ये फल में भी मिलेगा। ठीक, तो जड़ में, तने में, बीज में और फल में ये पाया जाता है। एक्चुअल में इसका काम क्या है, तो ये जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, इनका संग्रहण करता है, खाद्य पदार्थ का क्या करता है, संग्रहण, इनको स्टोर करने का काम किसका है, तो अवर्णी लवक का या ल्यूकोप्लास्ट का है। अब ये जो अवर्णी लवक है ये एक्चुअल में कितने प्रकार का होता है, तो ये तीन प्रकार का होता है। पहले का नाम है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलो का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, तो एमाइलोप्लास्ट जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है, कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, ये संग्रहण करता है। ये मिलेगा कहाँ हमें, एमाइलोप्लास्ट, तो सिंपल हम कह सकते हैं आलू मिलेगा, गाजर मिलेगा, गन्ने में मिलेगा, आलू में, गाजर में, शकरकंद में। ठीक है, इसके अलावा ये हमें गन्ने में मिलेगा, चावल में मिलेगा, गेहूँ में मिलेगा, तो इन सब के अंदर ये पाया जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को ये संग्रहित करता है। इसके बाद आता है इलियोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट। ठीक है, सिंपली जो इलियोप्लास्ट, इलियो का मतलब होता है वसा, तो ये किसका संग्रहण करेगा, वसा का संग्रहण। ठीक है, सिंपली हम लोग जानते हैं कि जितने भी तिलहन होते हैं, तिल वाले जो भी हमारे पास बीज होते हैं उनसे तेल निकलता है, तो तेल वाले जितने भी बीज होते हैं उन सब में वसा संग्रहित रहती है, नारियल हुआ, मूंगफली हुआ। ठीक है, इसके अलावा बादाम हुआ, अरंडी हुआ, सरसों हुआ। ठीक है, तो इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है, मूंगफली भी इसी में आती है। इसके अलावा मैं बात करूं तो थर्ड जो है, ठीक है, थर्ड टाइप्स इसकी आती है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट को मैं कह सकता हूँ प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, तो सिंपल हमें पता चल गया कि वो प्रोटीन को संग्रहित करेगा, किसको संग्रहित करेगा, प्रोटीन को, और प्रोटीन हमारी कहाँ पाई जाती है, सभी प्रकार के दालों के अंदर पाई जाती है। लवक का जो तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट को हम कहते हैं हरित लवक, हरित लवक। ठीक है, हरित का मतलब होता है क्लोरो, लवक का मतलब होता है प्लास्ट, तो हमने नाम दे दिया इसको क्या, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक का नाम क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। और ध्यान रखना
हरे रंग का इसके अंदर क्या पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं पर्णहरित। पर्णहरित को मैं कहता हूँ क्लोरोफिल। क्या नाम देंगे हम इसको, क्लोरोफिल। पर्ण का मतलब होता है फिल, ठीक है, और हरित का मतलब क्लोरो, तो क्लोरोफिल पर्णहरित। पर्णहरित हरे रंग का होता है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। किसमें रह करके, हरित लवक के अंदर रह करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता। सिंपल क्वेश्चन आएगा, कोशिका का रसोइया कौन, तो पर्णहरित, क्योंकि ये भोजन का निर्माण करता है। कोशिका का रसोई घर कौन, हरित लवक, क्योंकि इसके अंदर भोजन का निर्माण होता है। भोजन का निर्माण कौन करता है, पर्णहरित करता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि लवक जो होते हैं वो पादपों में पाए जाते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे में क्या हो जाता है, चेंज, ठीक है। यदि हमारे पास कोई वर्णी लवक है, वर्णी लवक है, तो वो चेंज होकर के क्या बना सकता है, अवर्णी लवक, ठीक है। और अवर्णी लवक चेंज होकर के क्या बना सकता है, हरित लवक, और हरित लवक चेंज होकर क्या बना सकता है, वर्णी लवक। ये आपस में एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे मैं मान लूँ कि पहले जो हमारे पास मिर्च थी वो हरे रंग की थी, पकने पर लाल हो गई, तो हरित लवक किस में कन्वर्ट हो गया, वर्णी लवक में, ठीक है। जो हमारे पास टमाटर था वो पहले हरा था, बाद में पकने पर लाल हो गया, ऐसे में कह सकता हूँ आम पहले हरा था, पकने पर पीला हो गया। तो ये वर्णक जो होते हैं वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो लवक है वो एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण की घटना के बारे में।